हेलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू सी एस सोल्यूशन आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और एच पी एस एस सी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पोस्ट कोड रहेगा एट वन नाइन एंड पोस्ट का नाम है ट्रैफिक इंस्पेक्टर इस पेपर में, में भी कंप्यूटर के टोटल दस क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि हिमाचल प्रदेश में होने वाला हर एक एग्जाम चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो एच पी एस एस सी का हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो उन वो सारे पेपर जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आप लोगों को कराऊंगा चैनल पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे पेपर मिलेंगे तो यह भी उसी का ही एक पार्ट है इस पेपर में जो भी आपको आंसर बताऊंगा होंगे काफी सिंपल क्वेश्चन थे आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम में इंक्लूडिंग जीव नौ सौ उनतालीस कई बार आपको बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा जाते हैं पहला क्वेश्चन था द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम काफी इजी क्वेश्चन है आपको पता है कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सी के क्या क्या पार्ट होते हैं आपके कंट्रोल यूनिट ए एल यू एंड मेमोरी यूनिट ए एल यू आपको पता है एथमेटिक लॉजिक यूनिट ये आपका सी का पार्ट है इसमें आपके अथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं मेमोरी आपको पता है दो टाइप की होती है प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी आपकी टेम्प्रेरी करती है डाटा का स्टोर एंड सेकेंडरी आपकी परमानेंट करती है कंट्रोल यूनिट आपको पता है कंट्रोल का यूनिट का काम है टू प्रोवाइड डायरेक्शन ऑन ईच ऑपरेशन परफॉर्म ऑन सी पी में परफॉर्म होने वाले सारे ऑपरेशन के लिए डायरेक्शन कौन देता है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट में आपके दो सिग्नल होते हैं टाइमिंग सिग्नल एंड कंट्रोल सिग्नल हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है वन फिफ्टी थ्री द क्वाटी की बोर्ड इसका सही आंसर है द क्वाटी की बोर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर की बोर्ड ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा वन फिफ्टी फोर वट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव एड यूनिट दैट इज फाइल फाइल को बोलते हैं हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एज यूनिट अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस इनमें से कौन सा वर्जन आपका एम एस ऑफिस का वैलिड नहीं है नाइन्टी फाइव भी होता है नाइन्टी सेवन भी होता है दो हज़ार भी होता है लेकिन ऑफिस नाइन्टी नाइन ये आपका इनवैलिड है ऐसा कोई भी एम एस ऑफिस का वर्जन नहीं आया है इसलिए आपका इनवैलिड है बाकी सब आपके वैलिड है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर वन फिफ्टी सिक्स में पूछा गया है टू एक्टिवेट ऑफिस असिस्टेंट इन एम एस वर्ड अगर आपने एम एस वर्ड में ऑफिस असिस्टेंट को एक्टिवेट करना है तो आप किस मैन्यू पर क्लिक करेंगे आप क्लिक करेंगे हेल्प मेन्यू पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ बात की गई है मैन्यू की मेन्यू का मतलब है आपका आपका पुराने वर्जन का पूछा गया है अगर बात की गई थी की, की गई थी टैब की तो टैब होता आपका नए वर्जन में 157 इन एमएस वर्ड यूजेस ऑफ ऑटो करेक्ट एंड ऑटो टेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ये आपका करंट पेज के लिए और करंट डॉक्यूमेंट के लिए रिस्ट्रिक्ट होता है ऑटो करेक्ट ऑटो टेक्स्ट आपका बोथ ए एंड बी सही होगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी करंट पेज एंड करंट डॉक्यूमेंट 158 फिफ्टी एट इन एम एस वर्ड टू गेट टू द सिम्बल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द डैश and एंड डैश एंड चूज आपने कौन से मेन्यू पर क्लिक करना है सिंबल के लिए आप क्लिक करेंगे इंसर्ट मेन्यू पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इंसर्ट मेन्यू 159 ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मेनी लेटर इन वर्ल स्टार वर्ट आर में आपके एक लाइन में कितने लेटर होते हैं दैट इज 65 इसको आप याद रखेंगे वर्स्ट आर में एक लाइन पे सिक्सटी लेटर होते हैं वन सिक्सटी डैश इज फैमिली ऑफ स्टाइल सच एज एरियल जिनेवा मॉडर्न ये सब आपके क्या है ये आपके फॉन्ट फेस है जैसे आपके कैलिवरी हो गया टैम न्यू रोमन हो गया ये आपके फॉन्ट फेस होते हैं ये फोन के नाम होते हैं ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपका अगला क्वेश्चन है टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस डैश की देन प्रेस एंटर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है आप कौन सी की को प्रेस करेंगे आप कहेंगे कंट्रोल पी को कंट्रोल पी से आपका प्रिंट ऑप्शन खुल जाएगा इससे आप प्रिंट कर सकते हैं या की शॉकट कमांड है प्रिंट करने के लिए तो इस पेपर में टोटल दस क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे दस के दस हमने डिस्कस कर लिए हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन थे और मैंने आपको आठ सौ सतासी आठ और ये आठ ऐसे जितने भी पेपर क्लर्क सैनों के होते हैं जिसमें आपके कंप्यूटर क्वेश्चन पूछ जाते हैं ज़्यादातर ये एम वर्ड के पूछते हैं ये सभी मैंने करा दिए हैं आपको आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी चैनल की प्ले है ऑल एच एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सॉल्व पेपर वहाँ आपको पेपर मिल जाएंगे एम एस वर्ड का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जे उन्नीस सौ उनतालीस में काफ़ी हेल्प मिल सकती है सी एस सोलेशन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ नए पेपर के साथ और नए नॉलेज और नए कंसेप्ट के साथ थैंक यू हैव अ नाइस डे